सो फ्रेंड देख सकते हैं वीवो Y93 है और इस फ़ोन का जो है कॉम्बो डिस्प्ले ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो है डिस्प्ले अलग अलग हो गया है और बहुत सारे यूट्यूब पे आपने वीडियो देख के रखे होंगे तो जिसमें डिस्प्ले रिपेयर किया जाता है। आज मैं भी वो कुछ ट्राई करने वाला हूँ और देखता हूँ कि ये जो है रिपेयर होने से ठीक होता है कि नहीं। तो चलिए हम इसे खोल के आपको जो है रिपेयर करके भी दिखाते हैं। और चैनल पर नया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा। और ये सोल्यूशन हो पाता है कि नहीं तो मैं आपको इस वीडियो में सारा प्रोसेस दिखाता हूँ। तो हम इसका जो है बैक पैनल को खोल रहे हैं और इसका डिस्प्ले जो है गिरने की वजह से कस्टमर का टूट गया था तो मैंने बोला कि इसमें चार्ज लगेगा, यदि रिपेयर तो होता नहीं है, मैं टप्पर भी ट्राई करूँगा, यदि ट्राई करने से हो गया तो ठीक है, लेकिन नहीं हुआ। हमने सिम ट्रे खोल लिया, अब इसके जो है पैनल को खोल लिए और उसके बाद जो है पैनल को निकालने के बाद आपको यहाँ पे बैटरी कनेक्टर, डिस्प्ले कनेक्टर ये सब रिमूव करने हैं और उसके बाद इसकी बैटरी आपको रिमूव करनी है। स्ट्रिप दिया गया, स्ट्रिप को आप अच्छे से उठाएंगे तो आपकी बैटरी निकल जाएगी। और यहाँ आप देख सकते हैं ये डिस्प्ले वाला पत्ता टूट गया है और डिस्प्ले और आपको बैटरी अच्छे से निकाल कर साइड में रखना है, या नीचे गम लगी रहती है साइड में चिपका रहता है नीचे से, तो ये आप लोग को हिट मार के भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप अच्छे हाथों से जो है कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हम डिस्प्ले जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इस तरह से ये नहीं होगा, इसे थोड़ा सा साफ़ करना होगा और ब्लेड्स के हेल्प से दोनों का जो है पॉइंट निकाल के आप लोग को सोल्डिंग करना होगा। और इसके थ्रू यदि आप लोग बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे देखते हैं, मैं भी देखता हूँ कि बहुत लोग कर लेते हैं लेकिन जो है उसमें कई बारीकियों का मेहनत चाहिए और बहुत हाथ परफेक्ट रहेगा और मशीन के द्वारा यदि फ्लेक्स केबल जोड़ा जा सकता है। इस तरह से आप लोग ट्राई करते हैं बहुत जो है रिपेयरिंग भाई बंधु तो नहीं होने का चांस है, आप लोग को कम्बो ही डिस्प्ले चेंज कराना पड़ेगा। तो मैं भी कस्टमर का बस उसने बस प्रेशर दिया कि नहीं एक बार आप देखिए, तो मैंने बोला ठीक है, कस्टमर बार बार फोर्स कर रहे थे यदि यही बन जाता है तो ठीक है, लेकिन मैंने बोला नहीं ये सब नहीं बनता, आपको नया डिस्प्ले लगवाना पड़ेगा। लेकिन मैंने आप लोग को वीडियो की जानकारी के लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो भी बन जाएगा और आप लोग को भी बता दिया जाएगा, यदि होता है तो ठीक है नहीं तो एक मैं आप लोग को जानकारी तो दे पाऊँगा। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी ट्राई किया, खाली था, कस्टमर नहीं थे शॉप पर, तो मैंने भी ट्राई किया और यहाँ पर देखिए मैं इसके जो है ब्लेड के हेल्प से इसका जो है पॉइंट निकाल रहा हूँ। पॉइंट निकालने के बाद यहाँ पर जो है रिपेयर करने की कोशिश करने के लिए मैंने यहाँ पे दोनों पॉइंट को एक साथ जोड़ने के यहाँ पे देखिए हाँ मैं जोड़ने की जो है सोल्डिंग आयरन को भी गर्म कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट ले लिया, ब्लेड ले लिया, अच्छे से साफ़ कर लिया। अब यहाँ पे मैं एक बार जोड़ने की ट्राई करता हूँ, देखते हैं होता है कि नहीं। इस तरह के काम होते रहते हैं शॉप पे और हार्डवेयर का मैं कम करता हूँ, सॉफ्टवेयर के ज़्यादा करता हूँ और ये सब काम मेरे ब्रदर करते हैं हार्डवेयर का, लेकिन मैं भी ट्राई कर लेता हूँ और मुझे भी आता है, सीखा मैंने है लेकिन करते हैं मेरे ब्रदर। देख सकते हैं मैंने जोड़ दिया है और सॉफ्टवेयर मैं ज़्यादातर करता हूँ। अभी मैं जो है UFED टूल जो सैमसंग का है विदाउट डाटा लॉस हुए आप लोग का जो है अनलॉक हो जाएगा फ़ोन, आपको पासवर्ड पता चल जाएगा, तो उसके ऊपर भी मैं आप लोग को वीडियो जल्दी बना के देने वाला हूँ। बस मैंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया, 5 GB का है। तो देख सकते हैं मैंने डिस्प्ले को इधर से निकाल के यहाँ पे कनेक्टर को जोड़ना है, अब आपको अपने कॉम्बो डिस्प्ले को अटैच कर देना है। तो देखते हैं ऑन होता है कि नहीं, जहाँ तक लगता है यदि हो जाएगा तो ठीक है लेकिन कई कमी चांस है और कस्टमर का जो है नया डिस्प्ले लगवाना होगा। उन्होंने बोला 400-500 तो कभी होता है तो इस तरह से बनाइए, लेकिन नहीं मैंने बोला नहीं होगा, आप लोग को जो है आपको जो है डिस्प्ले चेंज कराना होगा। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए मैंने बैटरी कनेक्टर को भी लगा दिया है तो यहाँ पे नहीं ऑन हो रहा है, ऑन हो रहा है फ़ोन, ऑन है चालू है लेकिन यहाँ पर डिस्प्ले ख़राब है तो इसकी वजह से नहीं आ रहा है। तो चलिए हम आपको जो है नया डिस्प्ले लगा के दिखाते हैं, ये होता ही नहीं। तो देख सकते हैं हमने नया डिस्प्ले अब लगा दिया, देख सकते हैं हो गया ऑन। तो यहाँ पे एक नया डिस्प्ले आप लोग को लगाना पड़ेगा, बिना उस डिस्प्ले को चेंज किए नहीं होगा और वो सब जो है बारीकियों का काम है और उस सब तरीके से आप कर भी लेंगे ना तो आपका टच नहीं वर्क करेगा और बहुत सारे आपको प्रॉब्लम फेस करने होंगे, डिस्प्ले में लाइनिंग आएगी। तो यहाँ पर बैटरी कनेक्टर के बैटरी को जो है कनेक्ट करने के लिए जिन्हें आपस में सटे रहें तो गम लगा दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट वीडियो को बोल रहा हूँ बिना स्क्रिप्ट किए और बिना रुके हुए कट किए, तो मैं थोड़ा सा जो है लैंग्वेज आगे पीछे होता है और फिसलता है तो आप लोग उसे इग्नोर करिएगा और जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो सुनिएगा। मेरा टेलीकॉम शॉप 2 है, दीपक टेलीकॉम, दीपक कम्युनिकेशन, कोलकाता से हूँ मैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हो गया है और इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, तो आपका डिस्प्ले नया एक लगा देंगे कॉम्बो। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका मॉडल, तो यहाँ पे ये है और यहाँ पे साइड में शॉप ऑफ है तो थोड़ा सा नॉइस आता है, उसे इग्नोर करिएगा। और देख सकते हैं वीवो Y93 है, तो ये हो गया फ़ोन। अब हम इसके पैनल को पैक कर देंगे और काफ़ी अच्छे से हमारा ये बन गया। तो चलिए आज की वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी कुछ पूछना है तो कमेंट जरूर करिएगा।
और मैंने एक ओप्पो A53 के ऊपर वीडियो डाला था, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि ओप्पो A53 में टेस्ट पॉइंट नहीं होते। आप गूगल में जाके सर्च मारिए, उसकी आईसी के नीचे टेस्ट पॉइंट रहता है, और उसमें मुझे बता रहा है कि तुम जाओ इंस्टीट्यूट में थोड़ा सा नॉलेज लो, ये करो वो करो। नहीं भाई, आप लोग को मैं बता, मैंने कुछ बोलने में मिस्टेक हो गया वो अपनी जगह बात है, लेकिन ओप्पो A53 में EMCC टेस्ट पॉइंट होता है आईसी के नीचे। आप लोग गूगल में जाइए ना, लिखिए ओप्पो A53 टेस्ट पॉइंट, आ जाएगा आपको सामने। तो यहाँ पे हो चुका है हमारा कंप्लीट, और वीडियो कैसा लगा लाइक करिए। आज की ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय फ्रेंड्स।